मोर ने देखो पूरे अपने पंख फैलाए हुए, वो देखो सामने वाला मकान पूरा खाली। बाणगढ़ जा रहे थे हम, बता ही दिया मैंने आपको, बाणगढ़ जा रहे हैं। 50 किलोमीटर रह गया और भूख लग रही बहुत जोर की, सोचा रुक जाते हैं देसी ढाबे पे। ऐसा ढाबा है वो खड़ी सामने हमारी भाई, देखो क्या नाम है इसका, राजा राम होटल मेरे ख्याल यही नाम है। यहाँ से 50 किलोमीटर है इधर इधर की तरफ, रोटी आई नहीं अभी तक, प्याज से काम करना पड़ेगा। तो अभी इसलिए हूँ थोड़ी रिलैक्स हो जाएगा बंदा, मैं भी हन्नी भी। और उस जगह पे ना बाणगढ़ फोर्ट पे, मतलब रोड पे बना हुआ है और हाईवे पे ही, उसके सामने इतने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट हैं ए क्लास, मतलब ये लड़के भी बता रहे थे सामने जो काम करते हैं ना, ये भी करते कह रहे हैं वहाँ बड़े बढ़िया रेस्टोरेंट है, अंदर ही होटल है, वहाँ पे सब कुछ है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। मैं कहा हमने सही ब्रेक लगा ली, सही ब्रेक लगा ली, नहीं तो फिर ऐसे ही रेगुलर चलते होते ना तो थके होते, थकावट में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, मतलब या तो होटल बेकार मिलता हमें जल्दीबाजी में कि बस बैठना बैठना या कुछ होता है। रात हो गई हमें और भाई ने हमें होटल दिया एसी वाला, यहाँ पे एसी वाला रूम नहीं मिल रहा, हमें परेशान है ना, लड़के ने एसी वाला रूम दिया। और यहाँ 500 मीटर की दूरी पे है बाणगढ़ फोर्ट, और वहाँ कल सुबह जाएंगे, सुबह का मॉर्निंग का जो व्यू आता ना बहुत ज़बरदस्त। रात को भी जा सकते हैं, अभी किसी से बात हुई थी उन्होंने बताया रात को भी पीछे से कोई रास्ता है, पर रात को ना जाने का रिस्क नहीं है। रिस्क पता क्या है, ये जो मच्छर उड़ते हैं ना यहाँ के बारिश के, जो मच्छर हैं टिड्डे हो गए पता नहीं और क्या क्या, दिखाता हूँ आपको, रूम में भी आ गए हैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये जो ये उड़ रहे हैं ना कीड़े से मकोड़े से, ये बड़े परेशान कर रहे हैं। ये देखो सामने की जो जैकेट टांगी है ना वो देखो सामने, इसके चक्कर में दिक्कत हो रही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े मैंने वही पहने हुए थे, पैंट में वही पहन रखी हुई राइडिंग में, राइडिंग बेल्ट में दाना भूल गया, बाकी ठीक है। भूख लगेगी तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, भूख लगेगी तो ऑर्डर कर देंगे, 11 बजे तक किचन खुला होगा, यहाँ पे किचन भी है। होटल थोड़ा ठीक है, कितने का लिया है, 1500 रुपये का, 1500 रुपये का होटल 2 बंदों के लिए, अगर पास में लेना है तो, नहीं तो फिर दूर लेना बाहर हाईवे पे, वहाँ तो आपको मिल ही जाएगा फैसिलिटी वगैरह सारी, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लेट आएगी वाली, क्योंकि वाईफाई नहीं है, वाईफाई होता तो यही वीडियो कल या परसों में आ जाती, थोड़ा वीडियो का चक्कर पड़ेगा, थोड़ी सी लेट आएगी, क्या करें यार वाईफाई है ही नहीं अपने यहाँ पे, डाटा इतना काम नहीं करेगा अपलोड करने के लिए। तो चलो ठीक है, इतने मोटे मोटे हैं, यही तो दिक्कत है कुछ रिश्ते में, नीचे जाकर हर काम दिखाता हूँ, देखो कितने सारे हैं यार। आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है जिसने सिर पे हेलमेट पहना हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा होटल मिला है, अलग अलग वैरायटी के कीड़े भाई, अलग अलग वैरायटी के, और जगह कौन सी घूमने आए हैं, हॉन्टेड प्लेस, और यहाँ कीड़े दिख रहे हैं अलग अलग वैरायटी, दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने, अभी 3 एग्जाम करता हूँ फिर देना क्लियर ना जाएगा, ओ भाई पूरा इसने हेलमेट पहना हुआ, देखो चला भी नहीं जा रहा इससे, इतना भारी हेलमेट क्यों पहनता भाई, इतने से चला नहीं जा रहा, तो कान टकरे मार रहा है, इसी रात को हमारे साथ सोएगा। और सामने एसी के अंदर, और मैं सोच रहा हूँ कि 16 नंबर पे एसी है, और इनका क्या हाल होगा कीड़ों का, ये भी अलग एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। यहाँ का गेट नहीं खोल रहा मैं, नहीं तो कीड़ों ने हमें खोल देना यहाँ पे रात को। सामने बाथरूम है, मेरे ख्याल से अभी नई प्रॉपर्टी बनी है, जब नया नया रंग पेंट हुआ अभी, और कीड़ों ने अपना नज़ारे दिखा दिए यहाँ पे। वो भाई चले जा यार, चले जा, क्यों हेलमेट पहन के तू ही कर रहा है हमें, देखो चल कर सर ऐसे टेढ़ा हो गए, लाइट चली गई है और ये तंग कर रहा है हमें, कितने मच्छर हैं यार, पता नहीं यहाँ पे लाइट का क्या इशू है, एसी बंद हो गया, ठंडा भी नहीं हुआ था अभी एसी, और एसी लाइट चली गई, और हमें सोचा कि लाइट जाएगी नहीं, अभी एक बार गई थी दोबारा आ गई, बट ठीक है चल जाएगा काम, आज रात तो निकालनी है, उसके बाद सुबह फोर्ट पे, उसके बाद वापसी रूट। और यहाँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम रास्ते से आ रहे थे ना तो मैंने यहाँ पे मोटर व्लॉग नहीं किया, क्योंकि अंधेरा इतना है कुछ दिखेगा ही नहीं, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पे, और मेन रोड पे भी लाइटें नहीं लगी हुई, हाईवे पे भी नहीं लाइटें, हाईवे पे है लाइटें थोड़ी बहुत, अंदर आके रास्ता कटता है, हाईवे से राइट होके यू टर्न मार के नीचे आता रास्ता, और
यहाँ पे भेड़िए भी हैं, सुअर भी हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, एनिमल्स नज़र आ ही गए थे हमें छोटे मोटे, सुबह पता नहीं क्या क्या नज़र आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गई और फोर्ट के भी मज़े लेंगे सुबह, आपको भी दिखाएंगे। कीड़ों की आवाज़ें आ रही टक टका टक टक टका टक, अभी देख लो ये अभी तक यहीं पे है, ये लगता है रास्ता भूल गया, इसको लोकेशन दिखानी पड़ेगी मैप लगा के, भाई कहाँ जाना है, ओ भाई बता दे यार कहाँ जाना है, देखो चल कैसे रहा, देखो चला जा नहीं रहा इससे और फिर भी चल रहा है, देखो ये देखो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो अभी डिनर मंगवाया क्योंकि रात को ना डिनर करके सोना चाहिए। हाँ यहाँ रख दो। अच्छा भाई पानी भी नहीं आ रहा यार बाथरूम में, नहीं आ रहा बिल्कुल, देखो है ही नहीं, टूटी कैप टैप चला के दे सामने वाली, है ही नहीं किसी में भी नहीं आ रहा पानी यार, नहीं यार रात को दिक्कत ना हो जाए ना फिर हमें, तो चाय मेरे लिए चाय और हनी के लिए काफ़ी, कॉफ़ी नहीं काफ़ी, काफ़ी और ये काफ़ी है, और अचार अम्ब दा अम्बदा क्या ऊपर आगे क्या शराबे पीते हैं लोग, पीते होंगे ना शराबे, कहाँ है कहाँ, तो ये एक सामने अभी होटल लिया हमने, ये वाला छत पे खड़ा हूँ, एक ये होटल है सामने और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे और सामने पहाड़ है, सुबह इसी लोकेशन पे खड़ा होके, और एक ये वाला होटल है सामने वाला, दिखाता हूँ आपको पास जाके, मतलब तीन चार होटल हैं पास पास में, अगर अगर आपने बानगढ़ फोर्ट के पास में लेना ना होटल, तो ये एक ये पास में है और एक ये है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और वो सामने छोटा भाई है हमारा यहाँ पे काम करता है, उससे स्टोरी डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जो हमने पढ़ी है ना हिस्ट्री, वो हिस्ट्री यही थी कि रानी जो थी यहाँ जो तांत्रिक था उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने उसका टूने जादू करके सारा कुछ ख़त्म कर दिया था, पूरा उजड़ गया था, पूरा उनका घर उजड़ गया था पूरा टोटल, कुत्ता खड़ा हुआ देखो वो ना उसको बांधा हुआ है लकड़ी के साथ, देखो वो लकड़ी की सीढ़ियाँ, और वो ना सामने देखो भाग रहा है, और वो साथ ही लेगा यहाँ से लेके टंकी के पास था, और यहाँ से लेके वो सामने की तरफ ले गया उसको छज्जे पे, देखो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ उसको, मान सिंह मेरे को पता है इस राजे का नाम याद है मेरे को, बाकी किसी जहाँ भी हम हो गए हैं ना किसी राजे का नाम याद नहीं हो, महाराणा प्रताप सिंह वगैरह जो भी थे ना, हम जयपुर से हो गए हैं, जयपुर में नारगढ़ फोर्ट ये सारे किले देख लिए, तो फिर इसका उसके बाद रानी का नाम क्या था इसकी रानी का नाम रत्नावती, इसी महल का जो भी सामान जयपुर में है ना, महल इतने भी सारे महल है, इसी महल का है जो ऐसा महल है जयपुर में, अच्छा जो ऊपर बना हुआ जैसे सज्जनगढ़ जयपुर का महल है, हाँ हाँ सबसे बड़ा हॉन्टेड, हाँ हाँ हॉन्टेड का ही है वो भी, अच्छा वो भी इसी का ही है, हाँ वो तो राजा यहाँ से भगा था ना जब वहाँ पर जाकर बसा था, अच्छा जब इसकी रानी के साथ ऐसे हुआ था तो राजा बचा हुआ था, सब बच गए थे जो रानी 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 खत्म हो गई थी, रानी राजा बच गए, अच्छा बाकी सारे गए बच्चे निकल गए, अच्छा तुमने भी सुना होगा कहीं से भी हमारे पापा मम्मी से यहाँ यहाँ के लोगों से, है ना, ये वही मच्छर है जो रात को तंग कर रहे थे, और देख लो कैसे सोए पड़े हैं, जाग रहा भी जाग रहे हो, तो उसे सामने का व्यू देखो, कल्याण पैलेस वो नीचे खड़ी हो रही बाइक, गाइस हमने यहाँ रख दिया, भैया ने रखवा दिया साइड में, और अब निकलने लगे हैं, गए हैं गए हैं, जो कल रात को स्टे किया था इस चक्कर में, और जाना है हमने बानगढ़ फोर्ट, और जो इधर ही है 500 मीटर, दिन हो गई पहले दिन हो गया, अब रात थी, और देखो बाइक की हालत गंदी हुई पड़ी है सारी, स्टार्ट करते हैं इसको, जाले बन गए, रात को ना कीड़े मकोड़े बहुत थे, ये देखो सारे मच्छर चिपके गए पूरे बहुत ज़्यादा, पूरी ऐसा टक 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 बज रहे थे सारे, चलते हैं फटाफट टाइम हो गया 11:30।
स्टार्ट करते हैं। पीछे 20 रुपए की पार्किंग दे के और हम आगे निकल गए हैं, और बारिश का मौसम फिर दोबारा से हो गया है, कहीं ना कहीं रुकेंगे। यह लगानी कहाँ पे भाई, जगह बना रहा लड़का, कह रहे यहाँ लगा दो। वापसी में देखते हैं। बारिश होएगी तो वहीं रुकना पड़ेगा हमें लग रहा, कहीं शेड पे। ये पुराने पुराने गेट देखो, पूरे पुराने टाइम के गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं। रात को इनको पूछो ना यार, रात को नहीं बैठ सकते गार्ड। टिकट काउंटर, गेट पुराना। बारिश बंद हो जाए बस, बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, बंद हो जाएगी बारिश मेरे को लग रहा। टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट कितने की है? दो टिकट। हेलो, चलो इसकी हिस्ट्री है पढ़ लेना, उसकी पहले हिस्ट्री दिखा दी मैंने आपको, अंदर फिर दिखाऊंगा सारी डिटेल में। देखिए हमने पर्ची ली और पर्ची उन्होंने रख ली सामने, ठीक है बढ़िया। और ये देख लो पुराने पुराने घर स्टार्ट हो गए यहाँ पे। ये यहाँ का मैप है मेन, इस मैप से पता लगता है कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे है। सस्टेन योर हेरिटेज एंड फील ग्लोरियस। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई। यही मकान थे ना पुराने जो यहाँ पे लोकल रहते थे, लोकल्स के मकान है देख लो। कहते हम एक ही रास्ता यहाँ भी जाता है, वापसी में इसको कवर करेंगे। और ये देखो पुराने पुराने मकान यहाँ के लोकल्स के, अब तो पूरा जंगल ही हो गया ये, क्योंकि बारिशों के मौसम उसके हिसाब से भी पैदल चल चल के 2-2.5 घंटे इसलिए लगेंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि पैदल चल चल के वैसे इतने टाइम लगता नहीं है, है ना। तो बड़ी जगह है इसलिए पैदल चलने में टाइम लगेगा, बाकी आपकी पैरों की चाल जो है फास्ट है धीरे है जैसे चल रहे हो आपको वैसे ही जल्दी कवर कर सकते हो आप। ये पुराने पुराने लोकल्स यहाँ जो रहते थे, पूरे जो गांव था यहाँ का वो भी साथ ही उजड़ा था इसके। होता ना एक ने बोला कि यार यहाँ पे करंट है, तो सारे के सारे कहेंगे हाँ यार करंट है, तो वो चीज़ हो रही हो। एक रास्ता ये भी जाता सामने, और यहाँ पे मोर वगैरह भी नजर आएंगे तो जरूर कैप्चर करूँगा मैं मोर, और लंगूर तो है ही नॉर्मल, और पैंथन भी कह रहे हैं यहाँ पे, पैंथन भी नज़र आएगा अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो नज़र आ जाएगा। बाकी देखते हैं कौन कौन से एनिमल नज़र आते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे मकान थे पुराने, वो छतें सबकी उड़ गई हैं और काफ़ी चीज़ें उड़ गई अंदर से। उस टाइम मकान कैसे होते थे, छोटे छोटे, छोटा सा कमरा फिर आगे कमरा होगा, ऐसे बना हुआ ये मेरे ख्याल से वही है सामने वाला। एक रास्ता जा रहा है, रास्ते काफी जा रहे हैं यहाँ पे। गेट देखो यहाँ पे कितने पुराने बने हैं, और इसको तो आपने देखा ही होगा बंदर दिखा रहा अब। ये देखो पेड़ भी खतरनाक से हुए पड़े हैं, चलेंगे ऊपर ही मंदिर है वो, चलेंगे तो लोकल जाते ही हैं, बस दिख नहीं रहे ऊपर से पब्लिक।
प्राचीन स्थल भानगढ़, 1556 से 1605 हमारी विरासत, हमारा ये गेट है ये वाला। सारे के सारे यहाँ पे गाइडर होती हैं, नॉर्मल सी बात है। पानी का भी बंदा है यहाँ पे, वो सामने खंडर बना हुआ, ऊपर मंदिर है। और ये है अंदर की एंट्री, यहाँ से आए थे हम सामने से। बंदर भी यहाँ पे हरामी होंगे, फोन छीन सके। यहाँ पे काम चल रहा है अभी भी, यहाँ तो कुछ बना रहे हैं या इसका रास्ता हटा रहे हैं। और ये अंदर का पार्क बन गया, एक सामने देखो मकान खंडर सामने बना हुआ, सामने को फिर एक जूम किया मैंने तब पता लग रहा वो सामने। ये वही मंदिर है जहाँ पे करण अर्जुन आएंगे, ये वो वाला मंदिर है। पब्लिक चढ़ी हुई सामने, वो देखो ऊपर। ये है मेन बेसिकली किला भानगढ़ फोर्ट, देखो पुराने टाइम के डिज़ाइन ऐसे बड़े, कोई बड़े चलते हैं गुलाई। ये पीछे ही बोर्ड लगा हुआ वहीं से ही पढ़ लेना। वो ये देखो एंट्री, यहाँ पे मोर है, वो बैठा सामने मोर, मोर ने देखो पूरे अपने पंख फैलाए हैं। वो देखो पहली बार एक्सपीरियंस लिया मैंने ऐसे मोर के पंख फैला के, डांस कर रहा है क्या कर रहा है, बारिश की बूंद होती है तो नाचते हैं। सामने कुछ है वहाँ पे भी, छेड़ना किसी को भी नहीं है, बस देख सकते हो, बस छेड़ोगे तो अपने ऊपर खतरा तुम्हारे लिए। बाकी सुना है मैंने भी, बाकी ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है।